अम्बा महाविद्यालय के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही रोम रोम पुलकित हो गया। मन के मानसरोवर में आनंद की हिलोरें उठने लगीं। गुरुकुल की माटी को माथे पर चंदन की तरह लगाकर एक अलौकिक अनुभूति। उद्यान के हंसते मुस्कुराते पुष्प मानो हमारे स्वागत को आतुर हैं। संस्था की दीवार पर मानो पुरानी यादें चित्रित हो रही हैं। उक्त भावों को सरिता भूतपूर्व विद्यार्थियों के हृदय से उमड़ रही थी। इस भाव अपलावन सभी अवगाहन कर रहे थे। पूर्व छात्र अपनी यादों का स्मरण करके जहां उनके मुख पर चमकती तो वहीं एक दूसरे साथियों के गले लगाकर खुशी के आंसू छलकते हुए देखे गए। माहौल जितना सुखद था उतना ही भावुकतापूर्ण। महाविद्यालय का अनुशासन, विद्यार्थियों के संस्कार देखकर हमें गर्व है कि अम्बा कॉलेज हमारी शिक्षा स्थली रही है। इस तरह के विचार शुक्रवार को स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बा के सभागार में द्वितीय भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह के भव्य आयोजन में आगंतुक पूर्व छात्र छात्राओं ने व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 1974 बैच के पूर्व छात्र बीडी शर्मा मंच पर थे। अध्यक्षता संस्था के शासी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी शुक्ला ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा समिति के सचिव डॉक्टर नारायण हरि शर्मा व एडवोकेट प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन से हुआ। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर शिवराज सिंह तोमर ने सभी मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और स्वागत भाषण में सभी का अभिनंदन किया। भूतपूर्व विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकेश श्रीवास द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शशि वल्लभ शर्मा और डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम के बीच में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। अम्बा से खबर हर पल के लिए पंकज जैन की खबर। विद्यार्थी मिलन समारोह महाविद्यालय में आयोजित हुआ है, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? मैं दीपक सिंह तोमर, 2003 में मेरा एमए हुआ था इस कॉलेज से, और जो कॉलेज से मैंने शिक्षा ली है उसका आज मैं मेरी लाइफ में उसका बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा कि मैं आज बिजनेस वूमेन बनी। आज मैं जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यही शिक्षा देना चाहूँगी कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको आप गहराई से समझो, उनकी शिक्षा को लो, और आपका जो कॉलेज है यही कॉलेज आपकी एक नींव बनाएगा। इस नींव को आपको बड़ा करना है आगे जाके। ये हमारा एक तरीके की नींव बन गई, दीवार आपको जाके खड़ी करनी है। जो शिक्षा आप यहाँ से लेके जाओगे वो आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। इसलिए आपको जितनी भी शिक्षा लेनी है ध्यान से और फोकस होकर लेनी है। आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अपना जिंदगी का लाइफ का एक गोल बनाइए, जिससे गोल बनाने में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, उसको स्ट्रगल आएंगे, लेकिन आपको उसको पूरा करना है। स्ट्रगल के साथ जो आपको कामयाबी मिलेगी उसका आपका मजा ही अलग होगा। सर, ये आज का आयोजन था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महाविद्यालय का भूतपूर्व विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी से प्राचार्य तक पहुँचने की ये यात्रा में मेरे साथ लगभग 40 वर्ष से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का जो अनुभव है वो एक अलौकिक अनुभव है, और उस अलौकिक अनुभव को मैंने हृदयंगम किया है। मुझे लगा कि ये आयोजन और अच्छे और बृहद स्तर पर भी हो सकता था अगर हमारे भूतपूर्व विद्यार्थियों ने और अधिक आगमन किया होता, क्योंकि भूतपूर्व विद्यार्थियों की संख्या जितनी हम अपेक्षित रखते थे उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनुपम रहा, बहुत अच्छा रहा और गौरवमयी रहा, मेरी ये मानना। थैंक यू सर। आज ये भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह था, आज चूँकि आप सबसे वरिष्ठ भूतपूर्व विद्यार्थी रहे और आपको यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आपको मंच पर स्थान दिया गया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके क्या अनुभव रहे इस समारोह को लेकर और क्या संदेश देना चाहते हैं? पहला अनुभव तो यह है कि जो ये परिसर है, कॉलेज परिसर, ये परिसर काफ़ी पवित्र जागृत है,
क्योंकि इसमें जिन लोगों ने इस कॉलेज को बनाया सांचा सींचा तो उन लोगों ने जो है जो त्याग किया है उस त्याग के कारण। दूसरा, यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी सभी जगह जॉब कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉलेज से निकले हुए जो मतलब उतने नहीं कर रहे हैं, सब बेरोजगार हैं इस टाइप के। तीसरा अनुभव ये कि इस समय जो विषम परिस्थितियों से कॉलेज गुजर रहा है उसके लिए मैं चाहूँगा कि भूतपूर्व छात्रों की समिति जो है एक कोर्स गठित करे और जो इसमें भूतपूर्व छात्र सब सहयोग दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें सहयोग से मतलब इस समस्या पर थोड़ा निदान हो जाएगा।